हम पहुंच चुके हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं चौरागढ़ महादेव, तो आपको दिखाते हैं आगे का व्यू क्या होता है। अभी हम धेनवा नदी में पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का समय है और दिखाते हैं आपको आगे किस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं, कैसा रास्ता है और चौरागढ़ कैसा मंदिर है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। रास्ते का सीन, कहाँ से आप पहुँच सकते हैं, किस प्रकार से पहुँच सकते हैं, आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में क्या क्या देखने को मिलता है। घंटे बजे थैंक यू। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी हम भूरा भगत, ये है ये भूरा भगत और एक है ये वाला भूरा भगत, मतलब दोनों दोनों मूर्तियां यहाँ पर। और जब मेला में सब लोग आते हैं तो इनकी यहाँ पर सब रुक के जाते हैं और सब यहाँ पर देखते दर्शन करते हैं। और मेला के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और सामने चौरागढ़ है इधर, ये देख सकते हैं आप चौरागढ़ मंदिर। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, पूर्ण रूप से दिख नहीं रहा है। ये भैंस निकल के आ रहा है यहाँ से, भैंसा ये भैंसा निकल के आ रहा है। और वो उधर साइड पूरा काली आदमी, वो काली आदमी कुदरा नीचे ये भाई ये बिल्कुल टीटू अबे ये देख यार इतना गहर हुई। तो दोस्तों ये है हमारे चंद्रशेखर, ये एसके सिद्धू 28 इंस्टाग्राम में फॉलो, कितने बार बोलूंगा कब से। हाय, ये रविशंकर और वो उधर साइड पे हमारे रितेश। हाँ, और अभी हम आ चुके हैं नांदिया जंक्शन, नांदिया जंक्शन तो ऊपर पड़ता है। तो चलते हैं, धीरे धीरे दिखाते हैं आपको वीडियो व्यू दिखाते हैं। दोस्तों अभी आ चुके हैं पहली पारी, तो अभी नांदी तरफ से आते हैं, उस लाइन में पड़ती है पहली पारी। तो पहली पारी आ चुके हैं। हर बोला हर हर महादेव। कौन सा काम आती दवाई, आई डोंट नो। चलो क्या बोले बाबू, हो
क्या कारीगरी है, क्या कारीगरी। तो हम आ चुके हैं पहाड़ों की वादियों में, पहाड़ों की वादियों, भोले बाबा की वादी, सतपुड़ा की वादियों में हम अभी प्रवेश कर चुके हैं। हमारे अलावा यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है दूसरा, ना बंदर दिख रहे हैं, ना शेर बाघ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। चले जा रहे हैं बस, तो दिन बनी यहाँ की। बराबर घास उतार देना, बराबर घास उतार देना, ऊपर बराबर पानी मिलना चाहिए, हवा चलते रहना चाहिए, दुकान मिले या न मिले बस इतना हमारा कृपा रखना महादेव। जय हो। अरे बाबा, दोस्तों अभी आ चुके हैं भैरव गुफा, और भैरव गुफा के दर्शन करके और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। पूजा हो चुकी है हमारी यहाँ पर, तो हम निकल रहे हैं। ये है भैरव गुफा, आप देख सकते हैं ऐसी गुफा है, यहाँ से नीचे झुक के चलना पड़ता है, ये गुफा है। तो चलते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। तो अभी सभी की हालत डाउन हो चुकी है, सबको पसीना इतना आ रहा है कि अब क्या आता है, सब लोग हालत गंभीर है और ये सब पूरे कपड़े निकाल कर चले जा रहे हैं। तो पहुँचते हैं, अभी तो आधा बाकी है, आधा रह गया है बाकी, आधा पहुँचते हैं उसके बाद दिखाते हैं आगे। उम्र में उस